देश भर में बारिश का कहर जारी है। पूर्व उत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर भारत में लगातार बारिश से बाढ़ की भयावह स्थिति बनी हुई है। पहाड़ों में बारिश के कारण कई सड़कें व संपर्क मार्ग टूट गए हैं। उत्तराखंड स्थित पिथौरागढ़ के बिड़ ब्लॉक के चेसर गांव में एक मकान गिरने से उसमें दो सोए बच्चों और पिता की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है और उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। विभाग ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी और हरदा जिले को रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के 12 जिले व महाराष्ट्र के कुछ इलाकों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरों को अगले 24 घंटों के दौरान समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नगिरी, सिंधुदुर्ग के लिए अगले 24 घंटे जबकि विदर्भ और कोंकण क्षेत्र को लेकर 48 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक शनिवार को और रविवार को इन क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। इसके साथ ही इन इलाकों में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का भी पूर्व अनुमान जताया है। बाढ़ से बिहार में स्थिति और खराब हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान बाढ़ से कुल प्रभावितों का आंकड़ा 82.92 लाख पर पहुंच गया है। वहीं 27 लोगों की मौत हुई है। राज्य के 16 जिलों के 130 ब्लॉक की 1322 पंचायतें पानी में डूबी हुई है। बृहस्पतिवार से शुक्रवार के दौरान प्रभावितों की संख्या में 1.13 लाख की वृद्धि हुई है। बाढ़ की मार सबसे ज्यादा दरभंगा, मुजफ्फरनगर और गोपालगंज जिले पर पड़ी है। राज्य की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।